रफीन ने विविन का दंड नहीं लिया, इसीलिए विविन ने जो है एक अलग ही पैंतरा अपना लिया पूरे घर वालों को सजा देने के लिए। जबकि पहले ही जो है विविन ने इस चीज के बारे में बोला था पूरे घर वालों को कि भाई अगर मैं सारा को सजा दे रहा हूं क्योंकि सारा ने जो है कॉफी डस्टबिन में फेंकी है, वो अब चाय नहीं पिएगी और उसके साथ कोई चाय शेयर नहीं करेगा, उसके कप में चाय नहीं जाएगी और उसको कोई चाय नहीं देगा, तो ये सब चीजें बोलने के बाद भी जो है चाय आज सारा पी रही है और ऊपर से जो है वो बहस कर रही है विवियन के साथ कि भाई अविनाश तो एक मील स्किप किया पर फ्रूट खाया, ये किया वो किया, बस तुम्हारी बायसनेस दिखाई दे रही है। तो अपने तरीके से जो है इनकी बहस हो रही है और अपने तरीके से जो है ये लोग बातचीत कर रही हैं, पर उसी बीच में जो है अब विवियन ने चाय का पैकेट उठा लिया है, जिससे सारा काफी ज्यादा तंग हो चुकी है और बाकी घर वाले भी काफी ज्यादा तंग होंगे ही, क्योंकि बाकी घर वालों को भी जब पता है, जब चिल्ला चिल्ला के टाइम गॉड ने बताया है, तब भी उंगलीबाजी करने की जरूरत क्या है? क्या मतलब कि इस डिसीजन को तुम सीरियस नहीं लेते हो? अगर तुम सीरियस नहीं लोगे तो तुम्हें झेलना तो पड़ेगा ही, और वो चीजें झेलनी पड़ ही रही हैं। तो चाय उठा ली है, चाय का पैकेट उठा लिया है, जिससे बहुत ज्यादा चिल्ला रही है सारा और बोल रही है देखो उठा के चला गया, ये सबकी चाय उठा के चला गया। तो अब ये डिसीजन तो भाई मेरे को लगता है बहुत ही सही लिया है, यही सोच समझ के लिया है विविन ने डिसीजन चाय का पैकेट उठाने का, कि जब तुम सारा को तो दंड दिया है, उसको तो चाय नहीं पिएगी, उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, वो चाय नहीं पिएगी, पर तुम लोगों को भी बोला गया था कि तुम चाय शेयर नहीं करोगे, उसके कप में चाय नहीं जाएगी, जिसने चाय बनाई उसके कप में चाय डाली गई और उसको साथ में बिठा के सब लोग चाय पी रहे हैं, कोई भी जो है इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा है। मतलब क्या है? तुम सब लोग इस दंड के पात्र हो और तुम सब लोगों को चाय नहीं मिलेगी, और ये डिसीजन एकदम सही लिया है विविन ने, अगर इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ लिया है डिसीजन। क्या है आपका कहना बताइए जरूर, इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।